हेलो दोस्तों, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल पर आज से दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले मध्य प्रदेश की 10 बड़ी नई भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों ओनली फॉर गुरुवार टू गुरुवार वीडियो देखना ना भूले, ताकि मध्य प्रदेश की कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं हो। दोस्तों, जो भी वैकेंसी बताऊँगा जो वे सभी प्रेजेंट टाइम के अंदर चल रही है, तो दोस्तों इनके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। पहली भर्ती है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस की। दोस्तों, इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है 5/9/2024। एज की बात करें 21 से 40 चल रखी गई है। पोस्ट है जो कि 110 है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी GDS ग्रामीण डाक सेवक की। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 15 साल से लास्ट डेट है 5/8/2024। एज की बात करें तो 18 से 40 साल रखी गई है। 44,228 पर दोस्तों वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी 2024। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 5 साल से लास्ट डेट है 4/8/2024। एज की बात करें तो 21 से 40 रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBBS की डिग्री चाहिए। 690 पर दोस्तों वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की दोस्तों वैकेंसी है। ट्रेड के बदौर दोस्तों वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 1/8 से लास्ट डेट है 20/8/2024। एज की बात करें तो 18 से 25 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों के पास 10+12 पास होना चाहिए, प्लस मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, ITI का डिप्लोमा चाहिए और 195 पर दोस्तों वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें नगर निगम इंदौर सहायक अग्रणी फायरमैन की दोस्तों वैकेंसी है। इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 22/7 से लास्ट डेट है 5/8/2024। एज की बात करें तो 18 से 40 साल की गई। क्वालिफिकेशन बात करें तो 12th पास मांगा गया है, प्लस ITI का डिप्लोमा मांगा गया है, प्लस सब्जेक्ट से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए। 306 पर दोस्तों वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें मेडिकल स्पेशलिस्ट भर्ती 2024। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 13/8 से लास्ट डेट है 12/9/2024। एज की बात करें तो 21 से 40 साल की गई है। प्लस क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर आप जैसे PG से संबंधित डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, प्लस स्पेशलिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस सब्जेक्ट से संबंधित विषय से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 239 पर दोस्तों वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें मध्य प्रदेश सर्जरी विशेषज्ञ भर्ती 2024। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 13/8 से लास्ट डेट है 12/9/2024। एज की बात करें तो 21 से 40 साल के विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बात करें तो PG से संबंधित डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर स्पेशलिस्ट की डिग्री प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, विषय से संबंधित आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 267 पदों दोस्तों वैकेंसी है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ भर्ती 2024। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 13/8 से लास्ट डेट है 12/9/2024। एज की बात करें तो 21 से 40 साल की गई है। प्लस अभ्यर्थियों के पास PG से संबंधित डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, प्लस विषय से संबंधित आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 175 पर दोस्तों वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी मध्य प्रदेश स्त्री रोग विशेषज्ञ भर्ती 2024। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 13/8 से लास्ट डेट है 12/9/2024। एज की बात करें 21 से 40 साल की गई है। प्लस क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PG से संबंधित डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, प्लस विषय से संबंधित आपके पास में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 207 पर दोस्तों वैकेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें शिशु रोग विशेषज्ञ भर्ती 2024। दोस्तों, इसके भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 13/8 से लास्ट डेट है 12/9/2024। एज की बात करें 21 से 40 साल के विद्यार्थी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PG से संबंधित डिप्लोमा डिग्री मतलब विषय से संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित विषय होना चाहिए आपके पास में। 159 पर दोस्तों वैकेंसी है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम के अंदर ये टोटल 10 वैकेंसी है जिनके फार्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार वैकेंसी की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों ओनली फॉर गुरुवार टू गुरुवार वीडियो देखना ना भूले, ताकि मध्य प्रदेश की कोई भी वैकेंसी आपसे मिस नहीं हो।